हेलो माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल। मु स्वागत जनाऊँ आपण मानक चैनल गवर्नमेंट जॉब क्रैकर एकेडमी को। आज क्लास टी आम पावर सिस्टम उपरे पढ़ा, जोटा कि पावर सिस्टम रे तीन टा क्लास नहीं सारी, एटा चार नंबर क्लास रे जाउची। एक क्लास रे बेनिफिट होची करेन्टली आम ओपीडीसीएल देन एसएससी जेई ओडिशार ओएसएससी रो जेई डीआरडीओ हाल सबूपाई बहुत इम्पोर्टाट। सो आज आम पढ़ा कौन लोड कर्व उपर पढ़ा। लोड कर्व कौन आम जानवा फास्ट। लोड कर्व कौन कौच गोटे लोड कर्व आमर है क्या भर ड्रन करा लोड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बुझे सपोज मु गोटे कर्वटे ड्र कली, एटा गोटे एग्जाम्पल दूसरा हूँ लोड कर्व। देन आम देखा ये लोड कर्व हिसाब से आम कौन करवा गोटे पावर स्टेशन ने केते यूनिट जेनरेट हो जानपर देन मैक्सिमम डिमांड को समय हो जानपर बुझी केते लोड भेरी करें ताकू भी जानपर बुझेगा। सो आम देखा कौन देखा आम स्टेटमेंट फास्ट कौन अच्छी द कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ लोड ऑन द पावर स्टेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम नोन एज लोड कर्व। वेरिएशन ऑफ लोड ऑन द पावर स्टेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम नोन एज लोड कर्व। बुझेगा ये स्टेटमेंटा को मन रखिए। देन आम जानवा इम्पोर्टेंस ऑफ लोड कर्व। लोड कर्व आमपाई कौन पाई इम्पोर्टेंट आम देखा फास्ट देखा द डेली लोड कर्व हाव अटेंस ए ग्रेट इम्पोर्टेंट जेनेसन। गोटे इम्पोर्टेंट प्ले रोल कै आमर लोड कर्व जेनेसन ने जे देखा फास्ट कौन अच्छी द डेली लोड कर्व। द डेली लोड कर्व शोज द वेरिएशन ऑफ लोड शोज द वेरिएशन ऑफ लोड ऑन द पावर स्टेशन। पावर स्टेशन वेरिएशन ऑफ लोड को आम से शो करदेव आम लोड भेरी करो समय भेरी करमक से शो करदेव बुझेगा। यटा को लिखे देन इट हेल्प्स बा लोड कर्व हेल्प्स द एरिया अंडर द डेली लोड कर्व गिव नंबर ऑफ यूनिट जेनरेटेड फॉर डे इन ए डे। गोटे दिन में आमको केते यूनिट जेनरेटेड होची आमे बाय द हेल्प ऑफ लोड कर्व वी कैन डिटरमाइन बा आमे जानी परिबा लोड कर्व हिसाब रे केते यूनिट जेनरेट होची। बुझे आमुक क्वेश्चन आसो सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट आम जे देखा यूनिट जेनरेटेड पर डे इज इक्वल टू एरिया इन किलोवाट एरिया को अंडर डेली लोड कर्व बोला केते यूनिट जेनरेट हो तार एरिया को नहीं कि आम जानवा बुझेगा। देन आम देखा द लोड कर्व हेल्प्स इन सिलेक्टिंग एंड साइजिंग नंबर ऑफ जेनरेटिंग यूनिट केते यूनिट जेनरेट हे ताको आमको सी जनद बुझेगा। देन देखा आउ कौन कर लोड कर्व हेल्प्स ऑपरेटिंग शेड्यूल ऑफ द स्टेशन आमर को समय ऑपरेटिंग हवा दरकार तार शेड्यूल आमको लोड कर्व बतेदेव। आउ गोटे कौन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डेली लोड कर्व यहाँ मन रखिए द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डेली लोड कर्व रिप्रेजेंट द मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन। रिप्रेजेंट द मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन बुझेगा पे हाईएस्ट पॉइंट जदि आम डेली लोड कर्व देखा जी कौन कहली हाईएस्ट पॉइंट सपोज यहाँ गोटे हूँ हाईएस्ट पॉइंट यही हाईएस्ट पॉइंट को आम कह मैक्सिमम डिमांड बुझेगा। सो आपको नोट कर नब ये पॉइंटा इम्पोर्टेंट अच्छे। देन नेक्स्ट देखा मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड कौन आम जानवा मैक्सिमम डिमांड कौन जानवा आमर मैक्सिमम डिमांड हूँ मैंने आमर गोटे सर्टन पॉइंट रे केते अधिक लोड कनेक्टेड होची से जेनरेटिंग स्टेशन रे। सपोज आम जब गोटे घर एग्जांपल लम आम घर कथा कह तुम मान घर कथा भी कहूँ सपोज आम घरे कौन होमर आम यूज कर डोमेस्टिक मु पावर स्टेशन कथा कहते जाऊनि घर कथा कहूँ आमर सका कौन हो सपोज यू आसला मुझे गोटे ड्र कर विथ रेस्पेक्ट टाइम हम सका आमर एति आसला देन खरा बेल टे कमला पुणी आसला इवनिंग जो आस बढ़ीगला पुणी कमी हिसाब से जाने ये हाईएस्ट पॉइंट केोड आम कनेक्टेड है
ताकु कहिबा मैक्सिमम डिमांड बुझेला। आमर घर मानक जो एनर्जी मीटर आम यूज कर आमर जो लगी मीटर सब से देखिए पिला माने डिजिटल मीटर जो अच्छी सेठी एमडी गोटे आसीबो सार जो चली थोड़ा डिजिटल ले डेट डेट टाइम देन तापर आसे गोटे गोटे मीटर डेट टाइम तापर आसीबो किलोवाट आवर सेटा आमर रीडिंगटा देन तापर आसे 0.5 कि 0.6 सेटा होची मैक्सिमम डिमांड एमडी ता कहबा किलोवाट रे आसीबो बुझे होची। घर मानक जो मानक मीटर अच्छी से माने जाए कि देखिपारे 0.0 हम ताप डेट आसीबो ताप टाइम आसीबो देन तापर जोटा आसीबो सेटा होची तुम घर मैक्सिमम डिमांड गोटे सर्टन टाइम रे मैक्सिमम डिमांड से लोड तुम यूज करुच। सो ये स्टेटमेंट कौन रहा मैक्सिमम डिमांड इज द ग्रेटेस्ट डिमांड ऑन द लोड ऑफ लोड ऑन द पावर स्टेशन ड्यूरिंग गिवन पीरियड गोटे पीरियड भितर के लोड दिया मैक्सिमम डिमांड मैक्सिमम डिमांड कौ समय हम आम छटा मैक्सिमम डिमांड मैक्सिमम इवनिंग टाइम हुए द मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन ड्यूरिंग ड्यूरिंग द डे ऑफ 6 मेगावाट अकर्स इन 6 पीएम 6 संध्या बेले समस्त ऑब्वियसली यूज ऑन करिवे लाइट फाइट सब देन डिमांड फैक्टर कौन देखा यूट आसला इंपोर्टेंट बहुत डिमांड फैक्टर कौन रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड लोड रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड लोड को हम कौन कहवा डिमांड फैक्टर डिमांड फैक्टर ऑलवेज लेस देन यूनिट यूनिट मान वन ठारू कम बुझे लेस देन यूनिट आपको मन रखिए डिमांड फैक्टर ऑलवेज लेस देन यूनिट क्वेश्चन आसो रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड लोड आमर ताको डिमांड फैक्टर ता माने आमर मैक्सिमम डिमांड केते रहउची सेही समय केते लोड आमर कनेक्ट हेस ताको कहिबा आमे डिमांड फैक्टर देन देखिबा एवरेज लोड कौन एवरेज लोड रे आमे जीवा डेली एवरेज लोड रे देखिया जदि डेली एवरेज लोड का कहवा द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिटी जनरेटेड इन ए डे डिवाइडेड बाय 24 आवर एटा देखि पाथबे रेशियो ऑफ आपको मन रखिए यूनिट जेनेट के प्लस 24 आवर तक कहवा डेली एवरेज लोड मंथली एवरेज लोड हेले कौन एठी नंबर ऑफ आवर इन मंथ गोटे मंथ से केते आवर हम देन इयरली हेले 8760 आवर हो गोटे इयरली आमर करवा एवरेज लोड ये हिसाब से कैलकुलेशन हुए देन देखा जी लोड फैक्टर को कहवा द लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड माने रेशियो ऑफ एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड ताको आम कहवा लोड फैक्टर कहवा लोड फैक्टर ऑलवेज लेस देन यूनिटी बुझेगा ये वेट वन अच्छे लेस देन यूनिटी आउ आम रहा डिमांड फैक्टर हूँ लेस देन यूनिटी लोड फैक्टर हूँ कौन लेस देन यूनिटी किंतु आम डाइवर्सिटी फैक्टर आमर हम ग्रेटर देन यूनिटी से डाइवर्सिटी फैक्टर फैक्टर ग्रेटर देन यूनिटी हेले आमर भल आम जो यूनिटी आम जेनेट करवा ताकू आम कॉस्ट आम कम पड़ो आम देखा डाइवर्सिटी फैक्टर कौन डाइवर्सिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू मैक्सिमम डिमांड लोड ऑन द पावर स्टेशन इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन बुझीला देन आम देखा जी तार ग्रेटर देन यूनिट हूँ आमर डाइवर्सिटी फैक्टर सदा एक ठार अधिक रोक ग्रेटर डाइवर्सिटी फैक्टर द लेसर इज कॉस्ट फॉर यूनिट एरिया एटा मन रखिए ग्रेटर डाइवर्सिटी फैक्टर इज लेसर कॉस्ट जनरेटिंग आम पावर जनरेटर आमको कम पड़ो बुझेगा। सो ये देखिपे डाइवर्सिटी फैक्टर टीके से विजिबल हो नाला मुझे आउ थे कहदेली डाइवर्सिटी फैक्टर ये तार सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन रेशियो देन आम देखा तार ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी कन्सीडेन्सी फैक्टर कौन कह कन्सीडेन्सी फैक्टर कौन रेसीपोकाल ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर डाइवर्सिटी फैक्टर को आमको हरदे आम से कहवा कन्सीडेन्सी फैक्टर बुझेगा जी आपको वोल्टेज दवा मैक्सिमम रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ द पावर स्टेशन टू सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड आमर हो कन्सीडेन्सी फैक्टर बुझेगा आपको मन रखिए ये हूँ लेस देन यूनिट ओनली डाइवर्सिटी फैक्टर आम ग्रेटर देन यूनिट ताको मन रखिए।
बुझेगा। नेक्स्ट देखिए टाइप ऑफ कंज्यूमर आम जान डोमेस्टिकल आमर लाइट लोड रे कम आमर पावर लोड जा देखा आम कमर्सील इंडस्ट्रियल आम देखा तार डिमांड फैक्टर के डाइवर्सिटी फैक्टर के आम जे देखा आमको डोमेस्टिकल लाइट लोड अप टू 1 kW पर्यंत डिमांड फैक्टर देखिए 0.5 to 0.7 रहिबे जा भेले से जो मानकर मीटर अच्छी घर मानक से देखिए 0.5 to 0.7 जो मैंने 1 kW लोड कनेक्ट करेंगे तार डिमांड फैक्टर 0.5 to 0.7 यही केमी जो गोटे लोक जी मीछ कह कि घरे से दुईटा एसी यूज कर कि तीन टा एसी यूज कर इलेक्ट्रिकल अफिसर जी इन्स्पेक्शन जाइए मैक्सिमम डिमांड बढ़ायापी भूल कहते से ही मीटर रू ही आम जाणीदेबू कि ये लाइट लोड यूज कर कि डोमेस्टिक पावर लोड यूज कर बुझेगा। सो ये डोमेस्टिक पावर लोड रे लाइट लोड रे कते रहला डिमांड फैक्टर 0.5 to 0.7 देन डाइवर्सिटी फैक्टर कते रहला 3 to 5 डोमेस्टिक पावर रे हमर 0.5 रहइबो देन 1.5 to 2 रहइबो हमर डाइवर्सिटी फैक्टर बुझेगा। कमर्सियल लोड मोस्टली लाइट आम जो कमर्सियल दुकान मानक जो कर 0.5 to 0.7 1.5 to 2 रमर डाइवर्सिटी फैक्टर देन इंडस्ट्रियल पावर आम कौन रहा 0.5 to 0.8 आमर डाइवर्सिटी फैक्टर रहा 1.5 to 2 बुझेगा। आपको नोट कर देखा टाइप ऑफ लोड टाइप ऑफ लोड रे आम डोमेस्टिक लोड कमर्शियल लोड इंडस्ट्रियल लोड आमर म्युनिसिपल लोड अच्छी आउ इरिगेशन लोड ट्रैक्शन लोड बल्क कंज्यूमर होती ये आम रोच देखा डोमेस्टिक लोड रे आम सिंगल फेज पाई 5 kW एटा टी लिखिदेवे मुझे सिंगल फेज जब देखा न जा सिंगल फेज पर 5 kW 3 फेज पर 5 kW रु एभव हम से जोटा कि कह पावर लोड कहवा बुझी हूँ देन आमर कमर्स डोमेस्टिक कौन हम कनसीस्ट अफ ला फैन लाइट फैन रेफ्रिजरेटर घर मानक जहाँ जहाँ सब यूज कर कौन आमर रोज आमर डोमेस्टिक लोड लोड फैक्टर अफ फैक्टर अन् डोमेस्टिक लोड लोड फैक्टर के 10 to 12% हूँ लोड फैक्टर बुझेगा। कमर्सियल लोड को जी जा कमर्सियल भी सेम कमर्सियल मैंने दुकान मान फैन लाइट से सब सिंगल फेज पर 5 kW 3 फेज पर 5 kW उपरको एभव जी देन कनसीस्ट अफ लाइट फैन रेफ्रिजरेटर ये सब आम दुकान मानक आम यूज कर देन आम जब इंडस्ट्रियल लोड केस को जी इंडस्ट्रियल लोड केस कौन हम आम तार रोच स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मीडियम स्केल इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री केते किलोवाट पर्यंत नहीं पारे क्या कहवा जो 20 kW को पर्यंत आम दे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 25 kW 200 kW जो देवा मीडियम स्केल इंडस्ट्री देन लार्ज स्केल इंडस्ट्री एबव 500 kW आपको टी मन रख बुझे मैं क्लीयर करदे मुझ PDF भी सेयार करदेवि मुझे जानूँ टे आज भिजिबल रो न क्लास टी सो आपको टी नोट करने बुझेगा। देन म्युनिसिपल लोड रे आमर कौन कौन आसो स्ट्रीट लाइट पावर रिक्वायर्ड टू वाटर सप्लाई आमर ड्रेनिंग प्रपोज पर जो सब यूज करती मोटर फोटर से सब आम म्युनिसिपल जीव देन इरिगेशन आमर कौन आम बिल मानक जो यूज कर मोटर सो सी तार 20 kW to 20 kW पर्यटन आम यूज करवा ट्रैक्शन कनसीस्ट अफ कौन ट्राम कार ट्रॉली बस रेलवे ये सब जा ट्रैक्शन लोड रे जीवो देन बल्क कंज्यूमर रे एटा मन रखिए बल्क कंज्यूमर रे भी रेलवे जीवो पब्लिक सेक्टर वर्क गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट मिलिटरी एस्टेब्लिशमेंट हॉस्पिटल ये सब जो 10 kW पर्यंत रही पार बल्क कंज्यूमर रे बुझेगा। नेक्स्ट देखिबा इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम हम कौन पे करंती तार सेवेरल एडवांटेजेस अच्छी आम इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम कह द कनेक्शन ऑफ द सेवेरल जेनरेटिंग स्टेशन
इन द पारालाल इज नोन आज इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम तमें ये बुझ मुझे कहली सेभेराल जेनेटिंग स्टेशन पारालाल कनेक्टेड हेले कहवा जेनेटिंग आम इंटरकनेक्टेड सिस्टम ता माने नुहजे अलग अलग डिफरेन्ट डिफरेन्ट पावर स्टेशन सपोज यहाँ गोटे आम पावर स्टेशन अच्छे हीराकूद अच्छे सपोज एक्जाम्पल हीराकूद सतटा मे बी पावर जेनेटिंग स्टेशन अच्छी सतटा जो टर्बाइन लगी सतटा मे बी सतटा सात छःटा ना सतटा लगी सब पारेलल कनेक्ट ये हूँ गोटे सपोज वन टू थ्री तीन टा टर्बाइन लगी सब एका सांगे चलेनि के तार लिमिट हिसाब से किसी चले जो मैंने जाइए देखिथे भलसे डिटेल्स बुझीथे आम कॉलेज पढ़ला बेले आम स्टडी टूर थी आम जाइलु से देखी तीन टा सतटा लगी मे बी मोटे भलसे मन पड़ना देन तार यही सब को आम कौन पारेलल कनेक्ट हम बुझे जेनेटिंग स्टेशन मान ना अलग अलग स्टेशन ये जो जेनेटिंग स्टेशन ने आम गोटे गोटे यूनिट की आम कह जेनेटिंग स्टेशन ये गोटे जेने ये गोटे टर्बाइन मान ये गोटे जेनेटिंग स्टेशन ये गोटे टर्बाइन ये लगे मैंने यहाँ गोटे जेनेटिंग स्टेशन तो सेमती हीराकूद सतटा मे बी मैं जी मन पड़े सतटा आम जेनेटिंग स्टेशन अच्छी ताको आम पारालाल कनेक्ट कले कह इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम बुझे आम कौन तार आडभांटेजेस कौन आमर पिक लोड को आम ये कर एक्सचेंज ऑफ पिक लोड यूज ऑफ ओल्ड पावर प्लांट को आम ओल्ड प्लांट को आम कौन कर यूज करमी आम सपोज यहाँ टी पुणा हो रिपेयर करार अच्छे ये एनश्योर इकोनोमिकल ऑपरेशन को एनश्योर आउ डाइवर्सिटी फैक्टर इनक्रीज कर देन रिड्यूस प्लांट सर्विस कैपेसिटी इनक्रीज रिलायबिलिटी ऑफ द सप्लाई बुझेगा इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम मन रखिए देन आम देखा सप्लाई सिस्टम सप्लाई सिस्टम कौन देखा एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम कनसीस्ट ऑफ थ्री प्रिंसिपल कंपोनेंट कौन पावर स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आम इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम मेनली कौन आम गोटे जो जेनेरेशन है ट्रांसमिशन आसपर डिस्ट्रीब्यूशन आसटा कि डिस्ट्रीब्यूशन थ्रो रू आम नौ कौन आम सप्लाई नौ जमी आम ओडिशारे ट्रांसमिशन किए कवरअप कर ओपीडीसीएल डिस्ट्रीब्यूशन किए एवं रिसेंटली टाटा पावर टेक ओवर कर बुझेगा देन इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम टाटा पावर ओनली डिस्ट्रीब्यूशन नॉट ट्रांसमिशन ओपीडीसीएल हूँ ट्रांसमिशन तार गवर्नमेंट सी क्या प्रोवाइड कर टाटा हूँ गोटे प्राइवेट संस्था ओपीडीसीएल हूँ गोटे गवर्नमेंट संस्था इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम क्लासीफाइड इंटू आमर कौन एसी और डीसी सिस्टम अंडरग्राउंड ओवरहेड लाइन को आम कौन कर इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम क्लासीफाई कर एसी आउ डीसी हिसाब से अंडरग्राउंड ओवरहेड सिस्टम आम क्लासीफाई कर बुझला लिखिदेवे आम जदि देखा आम घर मानक जो आस मानक थ्री फेज आम फोर वायर रोच कौन एडॉप्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे थ्री फेज थ्री वायर रोच आमर ट्रांसमिशन सिस्टम रे थ्री फेज थ्री वायर आ थ्री फेज फोर वायर थ्री फेज फोर वायर टा बहुत जगह पड़े ये थ्री फेज फोर वायर लिखिदेवे थ्री फेज फोर वायर ये हूँ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे आम यूज कर थ्री फेज थ्री वायर आम आम ट्रांसमिशन आम यूज कर ये देखी पार्थे सपोज ये आम जेनेसन के इलेवेन के भी इलेवेन के भी आम ये सबस्टेसन रहा है इलेवेन के टू वन थर्टी टू बाय द हेल्प ऑफ पावर ट्रांसफर स्टेप ऑफ ट्रांसफर जो कौन आम पावर ट्रांसफर मध्य आम वन थर्टी टू को ट्रांसफर कलु प्राइमरी ट्रांसमिशन ने वन थर्टी टू थर्टी थ्री पर्यंत आम थर्टी थ्री टू वन थर्टी थ्री आम ट्रांसमिशन रहा प्राइमरी ट्रांसमिशन प्राइमरी ट्रांसमिशन आमर गोटे रिसीविंग स्टेशन थी सेकेंडरी ट्रांसमिशन सेकेंडरी ट्रांसमिशन कौन कर थर्टी थ्री टू इलेवेन के भी पुणी कौन कला स्टेप डाउन कलापर पुणी आसब कौन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ने एटी आसीज इलेवेन के भी टू आमर फोर फोर्टी वोल्ट जोटा जो फोर हंड्रेड वोल्ट कौन जीरो पॉइंट फोर के देन आम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आम कंज्यूमर टर्मिनाल गला देखिपे आम जेनेटिंग है इलेवेन के भी ताको स्टेप अप कराई वन थर्टी टू थर्टी थ्री को प्राइमरी ट्रांसमिशन देन रिसीविंग स्टेशन गोटे रही आम सेकेंडरी ट्रांसमिशन को कन्वर्ट हे जोटा स्टेप डाउन हे वन थर्टी टू टू थर्टी थ्री के भी टू इलेवेन के भी आम से हिसाब रहा देन आम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन देन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बुझला
देन देखिबा आमर कौन यूजुअली जेनरेशन वोल्टेज आमर केते होची 11 के भी बुझेला। आमर प्राइमरी रे प्राइमरी ट्रांसमिशन ने आमर के जेबे 66 132 220 किलो वोल्ट 400 बुझि होची 66 132 222 400 केवी आमर जीव कौन ट्रांसमिशन लाइन ने आमर जीव एबे आमर जो माने टिके हायर वर्सन अधिक टिके पड़ी थे जे बी गुप्ता की ताटू एबव देखिले सेठी 765 दोची आमर हाईएस्ट ट्रांसमिशन हो इंडिया रे। सो ये 400 मैक्सिमम दे 400 ऑप्शन ने हाईएस्ट जनरेट ट्रांसमिशन आमर क्यारी कर 400 देते 765 में भी 765 दौनि दे न 765 दे 400 दे न बुझेगा। देन प्राइमरी ट्रांसमिशन ने आमर गला कौन द इलेक्ट्रिक पावर आट 132 के भि इज ट्रांसफर ट्रांसमिटेड बाय थ्री फेज थ्री वायर ओवरहेड सिस्टम रे आमर 132 के भि प्राइमरी ट्रांसमिशन ने ट्रांसमिट है बुझेगा। आउस्ट्रिक सिटी आमको कहुचे ट्रांसमिट होउचे। देन सेकेंड राइट ट्रांसमिशन कौन जीव आट द रिसीविंग स्टेशन द वोल्टेज रिड्यूस टू 33 के भी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आम कौन है स्टेप डाउन कराला। देन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो आम पुणी 33 को 11 रे कराब। आमर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कनसीस्ट कौन कर फिडर डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसमैन ये हूँ बहुत इंपोर्टेंट आपरे आम आगे डिटेल्स पढ़ा फिडर डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसमैन ये देखिपे ये सब स्टेशन ये आस फिडर यहाँ हूँ डिस्ट्रीब्यूटर ये हूँ सर्विसमैन सर्विसमैन मैंने जो सर्विस कनेक्शन जाऊँ घर को कौटू डिस्ट्रीब्यूटर जाऊँ बुझेगा। आपर डिटेल्स आम पढ़ा तापर आम जानवा आडभांटेजेस अफ डीसी ट्रांसमिशन ओवर एसी ट्रांसमिशन आमर डीसीटा कौन आमर डीसी आम दीटा कंडक्टर यूज करती बुझे तार किसी नो आम जो ट्रांसमिशन पारामीटर इलेक्ट्रिकल पारामीटर हूँ कौन आम कह रेजिस्टेंस इंडक्टेंस रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर आम ट्रांसमिशन केस को आस रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस कह बुझेगा। सेठी रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर कहवा एटी रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस कह ट्रांसमिशन पारामीटर जो अच्छी आम डीसी रे ट्रांसमिशन पारामीटर जोटा आम इंडक्टेंस कैपेसिटेंस सी रही है कौन आमर नेग्लीजेबल रही रही। सो देखिए जी डीसी इन केस ऑफ डीसी ट्रांसमिशन लाइन नो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस फेज डिस्प्लेसमेंट सोर्स प्रॉब्लम किसी ना आधे डीसी रे से आमर डीसीटा भल ओवर एसी ठार कौन पर आम यूज करना सीटा भी कहबी ड्यू टू आबसेन्स अफ इंडक्टेन्स आबसेन्स अफ इंडक्टेन्स द वोल्टेज ड्रप्स इन डीसी ट्रांसमिशन लाइन इज लेस इंडक्टेन्स नमर लेस वोल्टेज ड्रप हुए ट्रांसमिशन लाइन ने फॉर दिस रीजन डीसी ट्रांसमिशन लाइन बेटर वोल्टेज रेगुलेशन आमर वोल्टेज ड्रप अधिक होमर वोल्टेज रेगुलेशन डीसी रे बेटर रमर देयर इज नो स्किन इफेक्ट आमर डीसी रे स्किन इफेक्ट किसी ना देन आमर लेस इन्सुलेशन रिक्वायर्ड कर डीसी लाइन लेस कोरोना लॉस कम डीसी ट्रांसमिशन लाइन ने हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन इज फ्री फ्रॉम डाइलेक्ट्रिक लॉस बुझेगा। डीसी ट्रांसमिशन लाइन देयर इज नो स्टेबलाइजिंग प्रॉब्लम एंड सिंक्रोनाइजिंग डिफिकल्ट कौन पे देखो डीसी सब जगार आमर आम ट्रांसमिशन कर कौन पाई आमर तार हाई आमर देख इलेक्ट्रिकल पावर कैन नॉट बी जेनरेटेड हाई ड्यू टू कम्युनिटी प्रॉब्लम आम डीसी रे आम हाई जेनरेट करें से आम डीसी ट्रांसमिशन लाइन आम यूज करती जो रिक्वायर्ड हुए आम इंडस्ट्री मानक आम ता थ्रो आम यूज करती बुझेगा। आम ना सेमती डीसी ट्रांसमिशन हुए आम हाई पावर हुए बोल डीसी ट्रांसमिशन करती जो रिक्वायर्ड हुए से करती केमिति करती आमर कौन करवा आमर कौन कर मर्कुरी आर्क रेक्टिफायर कौन कर एसी टू चेंज डीसी कर ट्रांसमिशन केस रे मर्कुरी लिखिद मर्कुरी आर्क रेक्टिफायर रेक्टिफायर कौन कर एसी टू डीसी मर्कुरी आर्क रेक्टिफायर लिखिद देन डीसी टू एसी जो फोन रिकॉर्ड हम थेरेटोन आम कर ट्यूब गोटे अच्छी थेरेटोन आमको से कर डीसी टू एसी ट्रांसमिशन केस बुझेगा।
मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर एसी टू चेंज डीसी, थेरेटोन कौन कर डीसी टू चेंज एसी, बुझेगा या लिखीदे मुदेली मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर कौन कर एसी टू चेंज डीसी, थेरेटोन ट्यूब आमर कन्वर्ट डीसी टू एसी, बुझेगा आम जो दरकार हे डीसी आम से ये कर डीसी सप्लाई कैन नॉट बी स्टेप अप ट्रांसमिशन, स्टेप अप करहबन हाई वोल्टेज को गला से आम डीसी यूज करना ना डीसी जब यूज होता था बहुत आडभांटेजेस रही था आम जो लसेस कमी जाता आमको एक्सट्रा किसी मानक प्रिभेन्ट करने यूज हो ना देन आम देखा एसी ट्रांसमिशन लाइन में पावर कैन भी जेनेटेड हाई यहाँ हूँ बहुत इंपोर्टां आसआडभांटेजेस कौन हम स्किन इफेक्ट अच्छी आमर कोरोना लॉस अच्छी है रेजिस्टेंस इंक्रीज हो स्किन इफेक्ट जो ये होची बहुत बड़ डिसएडवांटेजेस बुझेगा आपको आम पढ़ले आगको आहरी पढ़ा कि सो थैंक यू ऑल।